ओके सर एक तो बार हाँ ये बोलो। थ्योरम रिवाइज करना सर, ये दो। हाँ हाँ रिवाइज कर रहा हूँ मैं, रिवाइज कर रहा हूँ। देखो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में हमने पहला देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन आता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर बचे हुए दोनों के स्क्वायर का एडिशन आता है। एंड देन 30, 60, 90 में 30 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस का हाफ रहता है और 60 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस का √3/2 टाइम्स रहता है। और 45, 45, 90 के ट्राइंगल में 45 के अपोजिट वाले साइड्स मतलब ये दोनों साइड 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस रहते हैं। ठीक है, देन वी डिस्कस द थ्योरम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में पहला थ्योरम हमने डिस्कस किया, उसका टाइटल था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये थ्योरम दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है से ए बी सी, वहां पे एंगल भी 90 डिग्री है और ये जो राइट एंगल पॉइंट है वहां से हमने हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी। ओके, तो हमें क्या मिलता है कि ये जो तीन ट्राइंगल बन गए अभी इस परपेंडिकुलर के कारण, टोटल तीन ट्राइंगल बन गए, एक बड़ा वाला ए बी सी और ये दो छोटे, तो ए डी बी एंड बी डी सी। तो ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर आते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, पहले एक छोटा ए डी बी और बड़ा वाला ए बी सी लिया, उन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे पहले, फिर छोटा बी डी सी सेकेंड वाला ट्राइंगल, ये फर्स्ट ट्राइंगल मतलब ए डी बी छोटा, दूसरा छोटा बी डी सी और सबसे बड़ा ये जो मेन ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी। तो हमने क्या किया, पहला छोटा और बड़ा ए बी सी, दूसरा छोटा ट्राइंगल और बड़ा ए बी सी एंड देन दिस टू फर्स्ट एंड सेकेंड छोटे वाले ट्राइंगल, ऐसे हम तीन सिमिलैरिटी प्रूव करना चाहते हैं। तो ये पहला सिमिलैरिटी प्रूव करते वक्त हमने क्या किया, ए डी बी और ए बी सी ट्राइंगल में एंगल डी और एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री आता है दोनों ट्राइंगल में, और एंगल ए कॉमन एंगल है, तो बाय ए टेस्ट ये दोनों सिमिलर आ जाते हैं। सिमिलरली बी डी सी और ए बी सी में भी एंगल बी और डी 90 आते हैं और सी सी एंगल कॉमन है, सो बाय ए टेस्ट दे आर सिमिलर। अभी पहला दूसरे के साथ सिमिलर, दूसरा तीसरे के साथ सिमिलर, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये तीनों सिमिलर आ जाएंगे। तो ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर, दैट वाज द फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम वाज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बताया था आपको कि अगर मुझे तीन नंबर दिए हैं 3, 6, 12, तो बीच वाले का स्क्वायर ये बचे हुए दोनों का प्रोडक्ट अगर आता है तो ये बीच वाले को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, द मिडल नंबर इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। सो 6 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12, क्योंकि 6 का स्क्वायर ये इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 3 और 12 का। तो वैसे ही इस पर्टिकुलर थ्योरम में हमने हमें एक हमें दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो हमें समझो एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, उसके राइट एंगल पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू द हाइपोटेनस, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट क्यू ऑन हाइपोटेनस, उसकी वजह से ये हाइपोटेनस के दो पार्ट हो गए, एक पी एस और एस आर। तो हमें बोला गया कि ये जो क्यू एस है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये इन दोनों पार्ट का ज्योमेट्रिक मीन आता है, मतलब इसका स्क्वायर क्यू एस का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है प्रूव करना, हमें बस पहले गिवन में लिखना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री और एक क्यू एस परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस पी आर, पहले लिख लिया। टू प्रूव क्या है, इस क्यू एस का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, हाइपोटेनस को जो दो पार्ट है उनका प्रोडक्ट। अभी हमने पिछला थ्योरम देखा ही है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर आते हैं जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये छोटे ट्राइंगल दोनों सिमिलर लेने हैं। ओके, ट्राइंगल पी एस क्यू सिमिलर विद ट्राइंगल एस क्यू आर, और फिर वो दोनों सिमिलर लेंगे और यहाँ पे रीजन लिखना है सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ये ऊपर वाला थ्योरम इसका जो टाइटल है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल।
तो ये दोनों ट्राइंगल छोटे वाले सिमिलर हो जाएंगे, कौन से छोटे वाले, क्यू एस आर ये छोटा एंड पी एस क्यू, दिस टू आर सिमिलर। सिमिलैरिटी का यूज करके आपको क्या करना है अभी, ये साइड्स लेने हैं क्यू एस अपॉन पी एस, पहले दो लेटर अपॉन पहले दो लेटर पी एस, क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स का रेशो इक्वल आएगा। तो पहला पेयर आएगा क्यू एस पी एस, दूसरा पेयर एस आर एस क्यू, इन दोनों, ये दोनों ही काफी है हमारे लिए क्योंकि हमें इतना ही प्रूव करना है कि क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। तो एक एक तरफ न्यूमरेटर में क्यू एस आना चाहिए, दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में क्यू एस आना चाहिए। एस क्यू को आप क्यू एस लिखो पहले, फिर उसका प्रोडक्ट क्यू एस इंटू क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। आपको याद रखना है कि ऐसा अगर आता है कि एक नंबर का स्क्वायर ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये जो बीच ये जो नंबर है क्यू एस, इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एस एंड एस आर। ठीक है सर? हाँ बोलो सर। हमें प्रूफ थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए पूछते हैं क्या सर? यस यस, प्रूव दैट ऐसे आता है। देखो ये मैं हर बार पिछले थे चैप्टर में मैंने ऐसे क्वेश्चन बना के आपको बताया कि हमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। आपको वैसा नहीं बताया जाएगा कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, आपको ऐसा बताया जाएगा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये ऐसा थ्योरम है। हमें यहाँ पे आएगा प्रूव दैट, पहले ये दो वर्ड डाल देंगे या फिर शो दैट, बस ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको याद करना है कि ये ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, और फिर इसको प्रूव करने के लिए हमें इस थ्योरम का यूज करना पड़ता है, इसके पहले वाला जो था। ओके सर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर थ्री, पाइथागोरस थ्योरम, एक जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इट इज आस्क्ड इन एवरी ईयर एग्जाम, इफ इट इज नॉट आस्क्ड देन, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछा जाता कुछ तो उसका कॉन्वर्स पूछते हैं प्रूफ के लिए। ओके तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पहले से ही पता है, स्टेटमेंट क्या है उसका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है थ्योरम में कि दिया हुआ क्या है और प्रूव क्या करना है। तो हमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, और प्रूफ ये इफ वाला पार्ट रहता है, इफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल देन के बाद जो रहता है वो प्रूव करना रहता है। अब यहाँ पे इफ देन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस गिवन वाला पार्ट क्या रहेगा, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी विल टेक लाइक दिस ट्राइंगल ए बी सी विच इज, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप वो स्टेटमेंट खुद लिख लेना, बुक में दिया हुआ है। वी विल डायरेक्टली राइट द प्रूफ। प्रूफ में पहला पार्ट रहता है गिवन, गिवन हम लिखेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है हमें, से ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी विल राइट लाइक दिस इन गिवन, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये इतना लिख लिया। अभी टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। नाउ यहाँ पे याद रखना है आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है इस पर्टिकुलर थ्योरम में, ये रिवीजन करते रहना। वी हैव टू ड्रॉ सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एक सेगमेंट बी डी ऐसा एक हाइपोटेनियस ए सी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और कॉमा करके हम लिखेंगे ए डैश सी डी डैश सी। इसका मतलब क्या है, ए डी सी एक ही लाइन पे है, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ए डैश डी डैश सी मतलब दीज थ्री आर कोलिनियर पॉइंट्स, एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन लिख लिया, ये कंस्ट्रक्शन याद रखो, क्यों किया, क्योंकि हमें ये पिछले दो थ्योरम का यूज करना है। पहला थ्योरम था कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अगर है तो तीनों ट्राइंगल सिमिलर आते हैं, ये एक थ्योरम, और दूसरा थ्योरम है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, क्यू एस का स्क्वायर पी एस इंटू एस आर आता है। इन दोनों थ्योरम का हमें अभी
इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करना है, इसलिए ये थ्योरम नंबर 3 है। तो पहले दो थ्योरम का यूज करना है, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ सी द प्रूफ। आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर इनका एडिशन ए सी स्क्वेयर ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सी इसका जो प्रूफ है इसका मैं ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर ये दोनों स्क्वेयर्स हमें लाने हैं। अभी वो कैसे आएंगे, हाउ वी विल गेट देम। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम है वहां से हमें ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे, छोटा बड़ा, ये दो छोटे और ये बड़ा वाला ए बी सी, तीनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे। और उसमें से हमें क्या करना है, एक बार बड़ा वाला छोटे के साथ सिमिलर लेना है, पहला ए डी बी, और यहाँ पे दूसरी बार ये बड़ा ए बी सी दूसरा जो छोटा ट्राइंगल है बी डी सी की इसके साथ सिमिलर लेना है। और फिर सिमिलर होने के कारण इसका रीजन क्या आएगा, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, और फिर इसके कारण इनके साइड का रेशियो इक्वल आएगा, और उस रेशियो में आपको ये जो ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर है वो लाना है। कैसे आएगा ए बी स्क्वेयर, तो ए बी एक एक रेशो में न्यूमरेटर में देखो और दूसरे रेशो में डिनोमिनेटर में देखो, तो वही दो रेशो आपको चूज करने। वैसे यहाँ पे भी बी सी का स्क्वायर लाना है तो ये दो रेशो ही हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के बाद बी सी का स्क्वायर मिल जाएगा। और फिर हमें यहाँ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर मिल गया, हमें क्या चाहिए, उन दोनों का एडिशन चाहिए। तो इसको इक्वेशन वन बोला, इक्वेशन टू बोला, और इन दोनों का एडिशन ले लो, वो बराबर ए सी स्क्वायर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रूफ इन समरी। तो अभी यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी दिया हुआ है और ए डी सी कोलिनियर है, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा। वी कैन नाउ डायरेक्टली ऑल्सो राइट डाउन हियर दैट ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल विल बी सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी डी, will be similar with triangle BDC, क्योंकि ये तीनों triangle similar रहते हैं, ये हमने already theorem 1 में देखा है। यहाँ पे reason लिखो, similarity of right angle triangles, similarity of right triangles, ऐसा भी लिखा तो काफी है, similarity of right triangles, ठीक है। अभी सिमिलैरिटी लेते वक्त मैंने क्या बोला, इसके दो पार्ट लेने हैं, एक ए बी स्क्वायर के लिए एक बी सी स्क्वायर के लिए। तो हम पहला पार्ट लेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्राइंगल बी डी सी, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनके साइड का रेशो इक्वल आएगा। सो ए बी अपॉन ए, सॉरी ट्राइंगल का नाम ए डी बी लिखना है, आई एम सॉरी, ये नेमिंग का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अभी यहाँ पे इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल अगर है दोनों तो उनके रेशो इक्वल आते हैं, साइड के रेशो, तीनों रेशो इक्वल आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इतना भी लिखा तो काफी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि हमें ए बी स्क्वेयर चाहिए, तो ए बी न्यूमरेटर में इस पहले रेशो में है और इस तीसरे रेशो में डिनोमिनेटर में है, तो वो दोनों रेशो को इक्वल ले लो, और वहां से ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही इन दो ट्राइंगल में साइड का रेशो इक्वल आएगा, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। कैसे लेना है ये साइड का रेशो, आपको बताया था मैंने, पहले दो लेटर, पहले दो लेटर ए बी अपॉन बी डी, बाद में दूसरे दो लेटर, दूसरे दो लेटर बी सी अपॉन डी सी,
पहला और तीसरा लेटर, पहला और तीसरा लेटर, एसी अपॉन बीसी, ऐसे। इसका भी रीजन आएगा, दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, दूसरा बीसी स्क्वायर चाहिए। बीसी स्क्वायर के लिए ये दो रेशो चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है बीसी। तो बीसी अपॉन डीसी इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, और यहाँ पे आएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू एसी, इक्वेशन नंबर टू। अभी यहाँ पे हमें इन दोनों का एडिशन लेना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन। हमें ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बी सी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड का एडिशन लिया तो एडी इंटू ए सी प्लस दूसरा राइट हैंड साइड है डीसी इंटू ए सी। ओके, इन दोनों टर्म में ए सी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा एडी प्लस डीसी। ठीक है, ए सी कॉमन निकाला तो एडी प्लस डीसी। और आप अभी डायग्राम देखो, एडी प्लस डीसी जो है, आप डायग्राम अगर देखेंगे AD प्लस DC क्या है, पूरा AC मिलेगा इसका आंसर। सम AD और DC दोनों का एडिशन पूरा AC मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट AC लिखो, और इसका रीजन लिखना है सिंस दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इन दोनों का एडिशन AD और DC का एडिशन AC आएगा, AC इंटू AC AC स्क्वायर, बस यही तो प्रूव करना था। ओके, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। चाहे तो आप ऐसा भी लिखो, उल्टा भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको याद रखना है कि यहाँ ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का एडिशन मुझे लिखना है, तो वो एडिशन कहाँ से आएगा, तो ये साइड का रेशो है, साइड के रेशो में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वो स्क्वायर मिलेंगे पहले, और फिर उन दोनों का एडिशन। ऐसे ओवरऑल आप रिवाइज कर सकते थे थ्योरम को। समझ में आया सबको प्रूफ? यस सर, यस सर। ओके, यस सर। दिमाग में फिट हो गया? यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट नेक्स्ट द थ्योरम नंबर फोर, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स मतलब उल्टा। अभी इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमें पहले से राइट ट्रायंगल दिया हुआ था, और प्रूव करना था कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी उल्टा हो जाएगा, गिवन में ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और प्रूव करो कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब उल्टा प्रूव करना है अभी। सो व्हाट विल हैपन इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ये इफ मतलब ये दिया हुआ है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो बस ये गिवन में आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और टू प्रूव करना है कि ये एंगल ए बी सी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, सो स्टेटमेंट आप लिख लेना खुद, गिवन गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में दिया हुआ है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूव में आएगा, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। देखो, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा एंगल 90 आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अगर समझो आपको बोला कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये ट्राइंगल में ऐसा दिया हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री आएगा बोलो। एंगल पी क्यू आर विल बी 90, मतलब एंगल क्यू 90 आएगा। ठीक है,
यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ये दोनों साइड जो है, दोनों साइड का जो स्क्वायर लिया है उसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी है, ये जो बी है, या फिर हाइपोटेनियस देखो, हाइपोटेनियस में एक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, वो कौन सा है, बी, तो वही रहेगा 90 डिग्री, एंगल बी विल बी 90, तो हाइपोटेनियस देख लेने का, और वहां से पता चल जाता है कि जो तीसरा वाला पॉइंट है ए सी है हाइपोटेनियस, तो तीसरा पॉइंट है बी, सो एंगल बी विल बी 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा एंगल पी क्यू आर 90, हाइपोटेनियस पी आर है, तो तीसरा वाला पॉइंट है क्यू, वो एंगल क्यू 90, ऑडियो ऑफ करो शंकर, ये भालेराव शंकर पहली बार आए हैं क्या बेटा आप, आपका नाम क्या है, स्कूल का नाम, शंकर भालेराव नाम जिसने लिखा है, कैन यू स्पीक, बोलो बोलो, ऑडियो ऑन करके बोलो, ओके दिस वी हैव टू प्रूव, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है ये जो कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, याद रखना है दिस कंस्ट्रक्शन यू हैव टू रिमेम्बर, देखो हमें ये ट्रायंगल एबीसी जो दिया हुआ है, पासवर्ड चेंज केला पासवर्ड कसा ओपन होईल मला काय माहिती, सो ट्राइंगल एबीसी इसमें एंगल भी 90 डिग्री आएगा ये प्रूव करना है, अभी हमें पता नहीं है कि वो है कि नहीं है 90 डिग्री, आना चाहिए वो हमें प्रूव करना है, अभी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हम ऐसा कर रहे हैं कि एबीसी जैसा ही एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम पी क्यू आर और उस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, साइड ए बी जो पहला साइड है और यहाँ पे पहला साइड है पी क्यू, ये दोनों इक्वल साइड्स लेंगे, कॉन्ग्रुएंट साइड्स, देखो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, एक दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ये ए बी और पी क्यू ये दोनों साइड इक्वल रहेंगे, दूसरा साइड जो है बी सी और क्यू आर ये दो साइड्स इक्वल लेने हैं, और हम यहाँ पे एंगल क्यू 90 ले रहे, खुद हम खुद से ले रहे, एंगल भी 90 आएगा कि नहीं वो हमें प्रूव करना है, दिस वी नीड टू प्रूव, लेकिन हम खुद से ऐसा बता रहे कि एंगल क्यू 90 हमने लिया, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने जिसमें पी क्यू इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, ऐसा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन इतना आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर such that ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करो कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ ए बी, पहला साइड इक्वल, दूसरा साइड क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी सी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर अभी प्रूफ भी बहुत आसान है, ये कंस्ट्रक्शन अगर याद रहता है तो बस काफी है, प्रूफ अभी 90% प्रूफ खत्म हो गया कंस्ट्रक्शन से ही, हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ये इतना प्रूव करना है, तो आपको अभी पता है कि ये पहला साइड पहले साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये दूसरा साइड दूसरे साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, अभी हम क्या करेंगे, ये तीसरा साइड तीसरे साइड के साथ इक्वल है ऐसा प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, तो ताकि क्या होगा, यहाँ पे तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल के, एंड बाय यस 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 टेस्ट, साइड टेस्ट, हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, और वहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू तो हमने 90 लिया था, तो उसका इक्वल एंगल आएगा एंगल बी, वो भी 90 आएगा, वही हमें प्रूव करना है, तो हमारा मेन गोल है यहाँ पे अभी ये जो तीसरा वाला साइड है ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, ए सी और पी आर,
पहले दो साइड हमने कंस्ट्रक्शन में ही ले लिए इक्वल, तीसरा साइड हमें इक्वल प्रूव करना है। देखो अभी कैसे आएगा वो। सो हमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री है ना, ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है, ब्रैकेट में लिखो कंस्ट्रक्शन। तो देयरफॉर वी कैन से पी आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। ओके, इसका रीजन आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये लिख सकते हैं कि ये पी आर हाइपोटेनस आएगा, उसका स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन आएगा। अभी पी क्यू के जगह हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, प्लस क्यू आर के जगह बी सी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। और यहाँ पे रीजन लिखो बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से ही हम ये इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन तो ए सी स्क्वायर दिया हुआ है हमें, तो दोनों के एडिशन को हम ए सी स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो गिवन, ये हमें दिया हुआ है। तो हियर वी गॉट पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा पी आर इक्वल टू ए सी। यही चाहिए था हमें कि ये दो तीसरा वाला जो साइड है, ये दोनों तीसरे वाले साइड इक्वल लाने हैं पहले। अभी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस 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 टेस्ट। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 टेस्ट। क्योंकि पहले दो साइड तो उनके इक्वल लिए थे हमने कंस्ट्रक्शन में, और उनका तीसरा साइड यहाँ पे इक्वल मिल गया। ठीक है, एंड देयर पी क्यू आर, सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड देयर फॉर वी कैन से एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू, विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। इसका रीजन हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको शॉर्ट में भी आप लिखते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपको याद है इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन हमें पता है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री है, सो देयरफॉर हम भी बोलेंगे ए बी सी भी 90 डिग्री आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी 90 है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस यस सर। तो यहाँ पे हमारा मेन गोल था कि कंस्ट्रक्शन में दो साइड इक्वल ले लो, और तीसरा वाला साइड ए सी और पी आर जो कि दोनों हाइपोटेनस है वो इस तरीके से इक्वल दिखाओ। ठीक है, ये स्टेप्स तीन चार स्टेप्स में, ताकि तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर वो एंगल क्यू और एंगल बी दोनों 90 हो जाएंगे। ये था कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ बोलो, फोटो भेजो। श्योर श्योर। ओके, तो ये यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया। अभी आप अगर प्रैक्टिस से 2.1 देखेंगे तो इसमें इन चारों थ्योरम का यूज किया है। ठीक है, और इस चारों थ्योरम के अलावा हमने दो प्रॉपर्टीज भी देखे हैं, तीन प्रॉपर्टीज। वो कौन से तीन प्रॉपर्टीज थे? एक था, सी टोटल वी हैव डिस्कस नाउ दिस फोर थ्योरम्स एंड द थ्री प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे? एक था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या है? इस ट्रिपलेट में तीन नंबर दिए रहते हैं आपको, उसमें से जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर, उसका स्क्वायर बचे हुए दोनों के स्क्वायर का एडिशन आता है। ये एक प्रॉपर्टी।
फिर 30-60-90 का दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि 30-60-90 वाला अगर ट्रायंगल है तो उसमें 30 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस का हाफ रहता है और 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड इट इज इक्वल टू रूट 3/2 टाइम्स द हाइपोटेनस। और तीसरा प्रॉपर्टी है 45-45-90। ये तीन प्रॉपर्टीज एंड दिस फोर थ्योरम्स, इसके ऊपर है अभी प्रैक्टिस सेट 2.1। That is today's homework. Try to solve the questions from practice set 2.1. Of course, जो doubt है वो हम discuss करेंगे। कुछ solved example आप देख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे पूछा गया कि Pythagorean triplets है कि नहीं check करो, identify। तो हम क्या करेंगे, इसमें से larger number का square लिखेंगे, जमजे pi square 25, और बाकी के दोनों के square का addition लिखेंगे, 4 square plus 3 square, 16 plus 9 25। इसको बोलो इक्वेशन 1, 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 25 16 को इक्वल टू 25 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोलेंगे कि लार्जर नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2, देयरफॉर दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो बोलने का इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसे। फिर ये जो थ्योरम हमने देखा कि परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस पे ड्रॉ किया है उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ क्यू एन का स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, क्यू पी और क्यू एम। ये प्रॉपर्टी क्या था, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये परपेंडिकुलर जो रहता है हाइपोटेनस के ऊपर क्यू एन, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेगमेंट्स क्यू एम एंड क्यू पी। तो यहाँ पे आपको क्यू एन क्यू एम क्यू पी इन तीनों में से दो दिए हैं, क्यू एम और क्यू पी दिया हुआ है, क्यू एन फाइंड करना है। बस वो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करो दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में भी वैसे ही आपको क्या मिलेगा, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्यू एन एंड क्यू एम एंड एम आर, उसमें से आपको पीएम और क्यू एम दिया है, एम आर फाइंड आउट करो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करके। लाइक दैट यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी डाउट वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू, bye sir, bye, see you tomorrow, bye sir। थ्योरम अच्छे से लिख लेना, प्रूफ को याद रखना, मैं फोटोज भेज दूंगा ग्रुप पे, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग बंद करो सर।